हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो कब पूरी होगी और रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट कब जारी करेगा। यानी कि दोस्तों, अलाहाबाद हाईकोर्ट RO और ARO की जो फाइनल परिणामे हैं वो यहाँ पर कब तक जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ पा रही है कि रिज़ल्ट को लेकर रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है इतनी डिले क्यों कर रहा है। साथ ही दोस्तों, क्या रिज़ल्ट में डिले की वजह यह है कि जो पार्टीशन दायर की गई है उसके वजह से रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है रिज़ल्ट में डिले कर रहा है। आखिर किस वजह के कारण जो है प्रोसेस को रोका गया है और रिज़ल्ट में इतनी विलम्ब की जा रही है, तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। साथ ही कई उम्मीदवारों ने कमेंट किया है कि सर, याचिकाकर्ताओं के कारण जो है रिज़ल्ट को यहाँ पर जो प्रोसेस को रोका गया है, जब तक पार्टीशन की पूरी जो है सुनवाई नहीं जाती है, कोई निर्णय नहीं निकल कर आता है, तब तक रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं जारी करने वाला है। कई सारे उम्मीदवारों का कटअप को लेकर भी हमारे टेलीग्राम चैनल StudyZone/SZ पर कमेंट आ रहा था कि सर, हमारे नंबर ऑफ स्कोर इतने बन रहे हैं, क्या हमारे इस बार सेलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं वो भी आपको कटअप की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक सर्वे कराया गया था, उस पर काफ़ी उम्मीदवारों ने पोल के माध्यम से अपने जो है राय दिए हैं और साथ ही स्कोर कमेंट करके बताए हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे कि इस बार आपकी कटअप की जो रेशियो है वो क्या जाने वाली है, क्योंकि इस बार रेशियो और प्रीवियस ईयर की रेशियो को मिलाकर यहाँ पर एक अनुमानित अंक तैयार किया गया है। अगर उसके बीच आपके स्कोर बन रहे हैं तो आपको इस बार RO और ARO बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं का कहना है, यानी कि याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि जो टाइपिंग कराई गई है उसमें एक बड़े लेवल पर धांधली की गई है। जिस तरह की धांधली की गई, चाहे कीबोर्ड के माध्यम से, चाहे हैकिंग के माध्यम से, चाहे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लॉगिन थे, उनके याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इस टाइपिंग के अंदर धांधली की गई है, हैकिंग कराकर भी टाइपिंग कराई जा रही थी। पर दोस्तों, इसकी सुनवाई होने वाली थी पर नहीं हो पाई है। जल्द ही दोस्तों इसका जो निर्णय है वो एक या दो दिन के अंदर निकल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं चुनाव के कारण यहाँ पर जो उन प्रोसेस को यहाँ पर धीरे कर दिया गया है। तो कई उम्मीदवारों का यह कहना होगा कि हाई कोर्ट को चुनाव से क्या मतलब है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हाई कोर्ट को चुनाव से नहीं मतलब है तो UP NHM डिपार्टमेंट को यहाँ पर चुनाव से क्या मतलब है। उन्होंने आचार संहिता लागू के कारण उन्होंने बोल दिया कि रिजल्ट की जो प्रोसेस है आचार संहिता के कारण रोक दी गई है। जो प्रोसेस है वो आपकी जो है मार्च के दूसरे वीक तक आप सभी की जो परिणामे जारी कर दी जाएंगे, दूसरे या तीसरे वीक तक। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली भी आप देखें तो कहीं ना कहीं चुनाव के माध्यम से ही इसकी रिजल्ट के प्रोसेस देरी हो रही है। अगर दोस्तों याचिकाकर्ताओं के कारण अगर रिजल्ट में डिले हो रही है, तो दोस्तों कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिन्होंने याचिका दायर की गई हैं, उन सभी की जो रिजल्ट को रोक कर और जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उन सभी की जो है परिणामें जारी कर दी जाती हैं, और उन उम्मीदवारों की परिणामें इसलिए रुक जाती हैं कि जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक यहां पर उन सभी की रिजल्ट को प्रोसेस को रोक दिया जाता है। पर दोस्तों, सवाल एक ये भी है, अगर कोर्ट यह चीज़ मानता है, अगर इसकी जांच बैठाता है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर पार्टीशन को अप्रूव मिलता है और यहाँ पर कोर्ट जो है उम्मीदवारों की बातों पर जो मानता है, तो वो एक यहाँ पर जो है जांच बैठाएगा और उस जांच के अंदर पूरी जो है वार्तालापों को पूरी जो है वार्तालाप को सुना जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो टाइपिंग हुई है उसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर उसकी जांच करने के बाद अगर फाइल आती है और दोस्तों उम्मीदवारों के फेवर में अगर फाइल रहती है या गलती पाई जाती है, तो यहाँ पर वो याचिकाकर्ताओं को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और यहाँ पर पूरे उम्मीदवारों को फिर से यहाँ पर टाइपिंग की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो इस सब प्रोसेस में दोस्तों टाइम तो लगेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक पहली सुनवाई भी नहीं हुई है और जल्द ही इसकी सुनवाई होगी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी जो है केस वो निकल कर आ जाएगी कि जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या कोटेशन ये जो है कोर्ट जो हाईकोर्ट जो है इस पार्टीशन को रद्द कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों यह मान के चलिए कि जो आपकी रिजल्ट है वो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और सोर्सों के माने जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि जो आपकी रिजल्ट में डिले की वजह यह चुनाव भी हो सकती है, साथ ही यहाँ पर जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसके वजह से हो सकती है। पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जो रिजल्ट को लेकर, तो आप यह मान के चलिए कि जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और सोर्सों की माने कि जो अपडेट निकल कर आ रही है
कि वो आपकी या 26 फरवरी या 27 फरवरी के माध्यम में ही आप सभी की जो है आरओ और एआरओ की जो परिणामें निकल कर आएंगी। हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।